लड़का ही वो लड़की एंड दे टुगेदर वो सब इकट्ठे ठीक है तो ये एक पर्सन की तरह विचार है इसको सब्जेक्टिव वर्ब सब्जेक्टिव क्यों कहा जाता है मैंने आपको बताया था थ्री टॉक ऑफ द सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट दिस लिस्ट इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट आई लव क्रिकेट आई लव क्रिकेट आई इज द सब्जेक्ट लव इज द वर्ब क्रिकेट इज द ऑब्जेक्ट वी लव क्रिकेट You love cricket, he loves cricket, she loves cricket, they love cricket. तमाम के तमाम देखें अगर आप तो ये जो वर्ड है ये सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हैं ऐसा ही है जी अब इसके साथ सेकंड कैटेगरी प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव तीन पार्ट है वहां पर रखिएगा सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट स्टार्ट विद सब्जेक्ट वर्ब इज द मेन एंड ऑब्जेक्ट इज At the end, इसी को I का जब object बनाऊंगा तो it will turn into me, me into us, you into he into him, she into her, and they into them. They into them. Look at the board, please. अब आपसे मैं अगर बात करूंगा ये आपकी बुक चाहिए तो आई विल से गिव योर बुक टू मी क्या कहूंगा गिव योर बुक टू मी ये नहीं कहूंगा गिव योर बुक टू आई बिकॉज आई इज सब्जेक्टिव और बच्चों के जुमले के आखिर में आ रहा हूं ना जब आखिर में आऊंगा तो फिर मुझे ये महसूस करनी पड़ेगी आई विल टर्न इन टू मी वी टू अस यू टू यू ही रहेगा ई टू हिम ई टू अस समझे नहीं जब आखिर में होगा एज अ सब्जेक्ट भी करनी है एज एन ऑब्जेक्ट द थर्ड वन इज पोजेसिव ये चीज की बहुत ये टीम लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं इनके बगैर एक स्टेप आगे नहीं जा सकते पोजेसिव का मतलब पोजेसिव से निकला है पोजेसिव मीन बिलोंगिंग मलकियत दिस इज माय पेट मेरी मलकियत ऐसा नहीं है मैंने किसी के लिए फर्ज करे कि दिस इज माय ऐसा ही है इट्स माय बिलोंगिंग इट्स माय पोजेशन मेरी मलकियत है तो इसके इजहार के लिए मैं ये नहीं कह सकता दिस इज आई पेन रॉन्ग दिस इज मी पेन रॉन्ग आई हैव टू यूज द वर्ड माय तो इस चीज को यूज करना पड़ेगा माय पेन सेम एज अगर दो होंगे तो दिस इज आवर पेन यू के लिए योर पेन अच्छा माय के साथ माइंड ही के साथ हिज पेन ही का हर पेन डे का देयर पेन मजे की बात यह है कि ये लिस्ट अनलिमिटेड नहीं है इसमें और वर्ड कोई ऐड ही नहीं हो सकते नाम रख सकते हैं किसी का नाम यहाँ पे हमें आ सकता है लिस्ट में या द बॉयज आ सकते हैं द स्टूडेंट आ सकते हैं और कोई ऐसा लफ्ज ही नहीं है कि बॉयज से आगे टपक पड़े हमने सिर्फ यही सीखने हैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं ना लेकिन कुछ चीज़ें लिमिटेड हैं जो लिमिटेड है उनको सीखना आसान है पॉसिबल है क्योंकि उनकी हद है आप उनको फिर ही कर सकते हैं समझ आएंगे अब यहाँ दो है जी मी माई एंड माई दो क्यों है दिस दिस इज माई पेन This pen is mine. दो तरीके हैं बताने This is my pen. This pen is mine. This is your book. This book is yours. This is his notebook. This notebook is his. Got it? यानी यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव माय का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है माइंड क्या इसमें ना पड़े आपके थोड़ा दिमाग घूम जाएगा इसी लिस्ट को ही देखेगा यहाँ तक समझ चुके हैं अब प्रोनाउंस को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दी है दैट इज द फर्स्ट वन दैट इज द सेकंड वन दैट इज द थर्ड वन ये दो फर्स्ट में है ये अकेला सेकंड में है ये तीन किस में है जी और दे आर कॉल्ड फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन रिस्पेक्टिवली नाउ इनको कैसे पहचानेंगे व्हाट इज फर्स्ट पर्सन व्हाट इज सेकंड पर्सन व्हाट इज थर्ड पर्सन राइट नाउ इन दिस हॉल I am talking to you people. So I am talking. The person who is talking is included in the list of first person. जो बोल रहा होता है वो first person.
ठीक है, स्पीकर टाइटल इसका क्या है, स्पीकर। राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू यू एंड ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग टू मी, लिसनर्स सेकंड पर्सन, ठीक है। और स्पोकन टू इसका टाइटल क्या है, स्पोकन टू, वो जिससे बात की जा रही है। देन कम्स द थर्ड पर्सन, स्पोकन ऑफ, जिनकी बात हो रही है, वो गुफ्तगू में खुद इन्वॉल्व नहीं है, हो सकता है वो कोने वाली टेबल पे हैं, हो सकता है वो बाहर हैं गेट से बाहर। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा एब्सेंट है, क्या नाम है उसका, एनीबॉडी एब्सेंट टुडे, आकिब, सो आकिब इज एब्सेंट। सो व्हेन आई आस्क यू वेयर इज आकिब, यू विल से दैट ही इज एब्सेंट। क्या कहेंगे आप, ही इज एब्सेंट। यू कैन से आई इज एब्सेंट, यू कैन से ही एब्सेंट, यू कैन से यू इज एब्सेंट, यू हैव टू से ही इज, यानी उसके बारे में बात करने के लिए आपको इस थर्ड कैटेगरी से वर्ड उठाना पड़ेगा। हर एक की अपनी कैटेगरी है, तो फर्स्ट कैटेगरी बिलोंग्स टू द स्पीकर, सेकंड कैटेगरी बिलोंग्स टू स्पोकन टू, एंड द थर्ड कैटेगरी बिलोंग्स टू स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बात हो रही है। तो ये मिक्स नहीं कर सकते, मैं इस वक्त बोल रहा हूँ तो मेरे पास दो ही चॉइसेस हैं, आई या बी। अब बी इसलिए नहीं कि मैं अकेला बोल रहा हूँ, अगर मेरे साथ यहाँ पे कोई और भी जॉइंट वेंचर होता तो फिर हम जो बात करते हम कहते, अगर हम यहाँ पे पगी बेचने आए होते तो फिर हम क्या कहते जी, हम आपकी बड़ी गजनी किस्म की पगी लेके आए, ये कहें कि घुटनों का दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा, दो होते ना तो हम यूज़ करते, लेकिन क्योंकि मैं कह रहा हूँ तो मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ जी, आई। ज़्यादा होते तो सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल बोथ, सिंगुलर सिंगुलर प्लूरल, got it जी, ये पांचवा नंबर है। Is it clear? Yes. छठे पे जाए। Yes. Next one is preposition. अब ये भी limited है। There are total 88 prepositions in English language. कितनी हैं? 88. मतलब learnable है ना? 88 लफ्ज याद करने मुश्किल तो नहीं है, इसका इस्तेमाल बंदा सीख लेता है। लेकिन मजे की बात, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग आइटम पार्ट्स ऑफ स्पीच में यही है, बड़े बड़े लोग, तगड़े तगड़े लोग यहाँ पे आके मार खा जाते हैं, खासकर जो टेस्ट होते हैं, ये कौन से टेस्ट होते हैं सर, एनटीएस वगैरह जो टेस्ट होते हैं ना, उनमें मोस्टली प्रीपोजिशंस आती हैं। सर टेस्ट बहुत सारे दे चुके हैं कि मेरी बात से बात करेंगे कि वहाँ पे इनका इस्तेमाल, इनका यूजेज बहुत ज्यादा होता है। तो इनका क्या होता है, इनमें ये होता है कि कुछ पेयर हमें कंफ्यूज करते हैं, जैसे द फर्स्ट कंफ्यूजिंग पेयर इज इन एंड एट, यहां पे आके थोड़े से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन लगाने का या एट लगाने का। तो ये कंफ्यूजन कैसे दूर होगी, इन आप वहां पे पुट करेंगे जहां आप किसी प्रेमिसेस के अंदर, देयर वॉल्स अराउंड यू, when there is a boundary around you, then you will use in. For example, right now, I am here in the hall at Hillcrest. In or at in? In the hall at Hillcrest. In the washroom at home. In the drawing room at home. समझ रहे हैं कि नहीं? In complex at Abbottabad, in police station at Abbottabad, समझ रहे हैं? सिटी याद रखिए, वो वहां पे दीवारें नहीं होती, लेकिन सिटी के प्रेमिसेस होते हैं। यू आर इन लाहौर, यू आर इन रावलपिंडी, यू आर इन Abbottabad, यू आर इन Quetta, बिकॉज लाहौर से मुराद एक मखसूस रकबा है ना, एरिया है, उसके अंदर रहेंगे तो आप कहेंगे मैं लाहौर में हूँ, जैसे उससे बाहर गए तो लाहौर तो खत्म, इसका मतलब है उसकी भी बाउंड्री है। आई एम इन लाहौर एट एयरपोर्ट, एयरपोर्ट एक मकाम का नाम है, और एयरपोर्ट पे होने के लिए एयरपोर्ट के ऊपर होना भी जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे सामने एयरपोर्ट है, रोड किस पार है, एयरपोर्ट किधर है, रोड क्रॉस करके, लेकिन अगर मुझे पता था कि पूछते वे यू, तो आई कैन से दैट आई एम एट द एयरपोर्ट, जरूरी नहीं है कि उसकी छत पे खड़ा हूँ तभी कहूँगा एयरपोर्ट, आई एम एट एयरपोर्ट इन Abbottabad। क्लियर हो जी, ये थी इन और एट। देन कम्स in and on, and it belongs to transportation, in traveling,
बस ट्रांसपोर्ट ऐसी हैं कि उनमें आपको मिट के बैठना पड़ता है, तो कुछ मूव गुंजाइश नहीं थी, कुछ रूज नहीं हो सकती, यू कैन मूव अराउंड, ऐसा सीन होगा तो कैन। बस ट्रांसपोर्टेशन ऐसी हैं कि यू कैन मूव अबाउट, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर इन द बस यू कैन मूव इन द बस, सो यू से आई एम ऑन द बस, इफ यू आर ऑन द प्लेन यू कैन मूव इन द प्लेन, so you say I am on the plane, I am on the train, got it, I am on the bus, I am in the car, I am in the rickshaw, I am in the taxi, क्यों वहां पे आपके पास कोई मूवमेंट की गुंजाइश नहीं, समझेंगे। अब बाइक पे होंगे भी अब आप कौन ला सकते हैं, थोड़ा मूव कर सकते हैं, आजाद होता है, वरना कार की नस्बत होता है कि नहीं होता है, ऑन द बाइक, लेकिन कार की गुंजाइश नहीं है, अकेले भी हो तो बंदा मूव तो नहीं, अकेला हो तो खुद चला रहा होगा ना, मूवमेंट तो नहीं कर रहा होगा, फसल वो होगा, तो जब ऐसी सिचुएशन होगी तो फिर आप क्या लगाएंगे जी, इन, और जब आप थोड़ा चल सके थोड़ा मूव कर सके तो फिर आप क्या लगाएंगे, द थर्ड पेयर इज ओवर एंड अबाउट, वेयर डू यूज, थोड़ा प्रॉब्लम है right now, I'm standing here, that hand is over me, over my head, the bag is over my head, nishani kya hai, the object must make a 90 degree with you, with your body, agar object ki aapke upar, aapki body ke saath 90 ka angle ban raha hai, to it is over your head, samjhe, ab agar main yahan aa jata hu, somebody ask me where is the fan, I can say the fan is above my head, not over, over tab hota hai jab yahan par, वहां पे तो क्या है जी, अबव, ओवर भी ऊपर अबव भी ऊपर, ओवर बिल्कुल ऊपर 90 डिग्री, अबव ऊपर लेकिन आगे पीछे इधर उधर के, फॉर एग्जांपल कोई पूछता है जी प्लेन किधर है, वहां से आ रहा है, तो मैं कॉल बताऊंगा इट्स अबव माय हेड, फिर कॉल आती है प्लेन किधर है, बोलते से गुजर तो ओवर माय हेड, वहां पे ओवर नहीं कह सकता, यहां पे अबव नहीं कह सकता, गॉट इट, द नेक्स्ट वन इज अंडर एंड बिलो, अब इसका लिटरल मीनिंग दोनों के नीचे, लेकिन अगर इस्तेमाल एक होता तो दो वर्ड क्यों बनाए जाते, जब दो हैं तो लाजमी बात है कि इनका यूजेज भी थोड़ा डिफरेंट होगा तभी दो बने, इनमें क्या फर्क है, अंडर और बिलो में अक्सर ये जुमला बड़ा कॉमन है, द कैट इज अंडर द टेबल, द कैट इज अंडर द टेबल, तो जब मैं ये कहता हूँ द कैट इज अंडर द टेबल, तो कैट कहाँ पे है भाई, टेबल के नीचे है, तो किस चीज के ऊपर बैठी है या खड़ी है, किस चीज के ऊपर, जमीन के ऊपर है या टेबल के नीचे जुड़ी हुई है छत के साथ,